हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्डप्रेस थीम्स चैनल में, जिसमें कि हम डिफरेंट थीम्स और प्लगइन्स के इंस्टॉलेशन और प्रैक्टिकल ट्रबल शूटिंग के बारे में जानते हैं। आज हमने चुना है एक बहुत ही यूज़फुल प्लगइन जिसका के नाम वेबप्री एक्सप्रेस है। इस प्लगइन का इस्तेमाल जनरली दोस्तों इमेज के कंपैरिजंस के लिए होता है, और इमेज के कंपैरिजन आजकल बहुत ही ज़रूरी हो गया है आपके वेब पेज की स्पीड की बढ़ाने के लिए। जैसा कि देख सकते हैं कि ये WP इमेजेस को बहुत ही तरीके से कंप्रेस करके आपको WebP वर्जन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि आपका इमेज का साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है। और इसके कई सारे डिफरेंट एडवांटेजेस भी हैं, और आप अगर जानना चाहते हैं कि क्यों WebP इमेजेस को हम यूज़ करें JPG और PNG के इमेजेस के अलावा, तो आप यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में लिंक भी दे दूँगा, जिसमें कि आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गूगल की तरफ से भी आई हुई है, जिसको कि कोर वेब वाइटल्स भी बोलते हैं। और अब नेक्स्ट जनरेशन में WebP इमेजेस ही यूज़ करना ज़्यादा सूटेबल होगा वेब पेजेस के लिए। तो आइए अब हम इंस्टॉल करते हैं WebP इमेजेस के एक प्लगइन को, जिसको कि हमने अभी चुना है WebP एक्सप्रेस को। वैसे तो WebP इमेजेस के लिए कई सारे प्लगइन्स आते हैं, लेकिन WebP एक्सप्रेस पूरी तरह से फ्री है और कोई एडिशनल इसमें चार्जेस नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। इससे पहले कि हम WebP इमेजेस के लिए प्लगइन इंस्टॉल करें, हम किसी भी एक अपने इंस्टॉल्ड थीम के इमेज का सिचुएशन देख लेते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं कि इमेज अभी JPG फॉर्मेट में है, और जिसको कि हम अभी रेफरेंस के लिए सेव कर ले रहे हैं। जब हम इंस्टॉलेशन के बाद चेक करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कंपेयर करके कि WebP इंस्टॉल करने के बाद क्या फ़र्क पड़ा है। तो आइए ढूंढते हैं WebP एक्सप्रेस प्लगइन। हम जाते हैं ऐड न्यू प्लगइन्स में और देखते हैं कि एक Imagify WebP प्लगइन भी है, जो कि कई बार ज़्यादा इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन इसका मैंने देखा है कि एक लिमिटेशन है इसकी, फिर चार्जेबल हो जाता है एक स्टेज के बाद, जो कि इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। WebP एक्सप्रेस पूरी तरह से फ्री है और इसको इस्तेमाल करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। तो हम WebP एक्सप्रेस प्लगइन WebP के लिए इंस्टॉल करने जा रहे हैं, और ये हमने इंस्टॉल शुरू कर दिया है। इसमें थोड़ा समय लगता है, आप ध्यान दें कि WebP एक्सप्रेस ही इंस्टॉल करें। वैसे तो कई सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन ये कंपेटेबल वर्जन में है, और ये इंस्टॉल करने से पहले ज़रूर देख लें कि ये कंपेटेबल है कि नहीं है। तो हमारा प्लगइन अब इंस्टॉल हो गया है, अब इसके हम बेसिक सेटिंग्स में जाते हैं। अभी आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि आपकी HTXS फाइल्स वगैरह रीराइटेबल होनी चाहिए, अदरवाइज ये प्लगइन अपने बेसिक सेटिंग को इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें कि फाइल्स को रीराइटेबल वगैरह कैसे बनाया जाता है, मैं आपकी सहायता कर दूँगा। वेयर बेसिकली ये थीम, आई मीन ये प्लगइन वैरिड इमेज रिस्पॉन्स के रूप में बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, जिसको कि हम लाइव टेस्ट करके देखेंगे सारी इसके वाइटल्स काम कर रहे हैं कि नहीं और हमारे सर्वर से। तो अभी हमें ये बताया गया कि हम पहले इस बेसिक सेटिंग को सेव कर लें, उसके बाद ये लाइव टेस्ट हम कर सकते हैं। सेटिंग हमने बेसिक सेव कर लिया, हम ये देख पा रहे हैं कि प्लगइन्स ने
HTXS फाइल थीम्स और HTXS अपलोड्स के लिए चेंज किया है इस प्लगइन ने, और उसके बाद हम लाइव टेस्ट करके देखते हैं सारे वाइटल्स काम कर रहे हैं या नहीं, थीम के सारे प्लगइन के सारे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने या अपने हिसाब से इंस्टॉल करने के लिए। हम ये देख पा रहे हैं सारे वाइटल्स ओके हैं, और एक बूमर जो है जिससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं इस स्टेज पे, बाद में हम इसको हैंडल कर सकते हैं। और कोई एरर नहीं है, आप ये देख सकते हैं थीम्स पोर्शन भी ओके। सेल्फ टेस्टिंग करते हैं इसके सारे वाइटल्स सही हैं या नहीं है, अपलोड्स बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वेबपी फाइल्स क्रिएट हो पाएगा या नहीं ये सेल्फ टेस्टिंग हम कर रहे हैं। रियलाइजर फंक्शनलिटी ओके पाया गया है, तो इससे ये अब हम इसके सेटिंग में आगे बढ़ सकते हैं। इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं सेटिंग के, अगर आप स्कोप जानना चाहते हैं तो अपलोड्स जितने भी इमेजेस अपलोड्स होंगे और उसके थीम्स बाय डिफ़ॉल्ट, थीम्स के इमेजेस बाय डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं, इसको हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कैश कंट्रोलर आप हैंडल करना चाहते हैं तो आप हैंडल कर सकते हैं, फ़िलहाल अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इसको एज इट इज़ छोड़ रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है इसका ऑपरेशन मोड, वेरिड इमेज रिस्पॉन्सेज में अगर हम रखते हैं तो ये CDN फ्रेंडली नहीं होता, और ये रिकमेंड किया जाता है कि इसको CDN फ्रेंडली बनाया जाए, तो हम सबसे पहले CDN फ्रेंडली बना लेते हैं। और मैं इस चैनल में हमेशा ये बताता रहता हूँ कि एडिशनली आपको क्या क्या प्लगइन्स या क्या क्या रिसोर्सेज यूज करनी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा CDN का इस्तेमाल करें ताकि आपके वेब पेजेस बहुत तेज़ी से चल पाएँ। तो इसको हमने CDN फ्रेंडली बना दिया है, सेव कर लिया है, अब आगे के देखते हैं सेटिंग्स में हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। CDN फ्रेंडली बनाने के बाद हम ये अल्टर HTML रिक्वेस्ट को इनेबल कर देते हैं, जो कि प्लगइन ऑथर ने भी रिकमेंड करा हुआ है। इसके एडवांटेजेस आप नीचे देख सकते हैं कि हमें HTML में कन्वर्ट करने से क्या फ़ायदा हो रहा है। इसके बाद हम वेबपी क्रिएटिंग के लाइव स्टेटस को देख लेते हैं, और बेसिक सेटिंग हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि, और ये हम देख पा रहे हैं कि वेबपी रियलाइजर फंक्शनलिटी ओके है, तो अब हमारा सारा सेटिंग ठीक हो गया है। लेकिन अभी भी एक चीज़ ध्यान देने के लिए, कन्वर्जन मेथड्स जो हमारा लेता है वो टॉप टू बॉटम लेता है, जो भी एक्टिव पार्ट होते हैं वो सबसे पहले हैंडल किया जाता है, तो इसलिए जो फंक्शंस जो कन्वर्जन मेथड काम नहीं कर रहे हैं उसको हम वापस नीचे कर रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो एक्टिव हैं उन्हें हम ऊपर कर दे रहे हैं, ताकि इसके रिस्पॉन्स में हमें प्लगइन को एडिशनल टाइम या एफर्ट नहीं करनी पड़े। तो आप देख रहे हैं कि हमारी सेटिंग हो गई है। एक एडिशनल फीचर अगर इसमें दिया हुआ है कि अगर आपके वेब पे इमेजेस रिडायरेक्ट नहीं हो रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, और आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी पहले से काफ़ी सारे इमेजेस हैं, तो आप बल्क कन्वर्ट
का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि वर्ब कन्वर्ट का इस्तेमाल आप शुरुआती दौर पे ना करें, क्योंकि ये सारे इमेजेस को चेंज कर देगा और वो आपके वेब सर्वर का एडिशनल स्पेस कंज्यूम करेगा और वो थंबनेल्स वगैरह इमेजेस भी चेंज कर देगा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। हम फाइनली सेटिंग्स को सेव कर लेते हैं और अब हमारा ये सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। हम देखते हैं कि अब हमारे पोस्ट के इमेज पे क्या अंतर पड़ा है। ये वही पोस्ट दोबारा मैंने खोल लिया है आपके लिए, वही इमेज आप ये देख पा रहे हैं, इमेज की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आया है और इमेज का एक्सटेंशन अब वेब पी हो गया है, यानी कि ये प्लगइन की सेटिंग हमारी पूरी तरह से सक्सेसफुल रही है। और अब आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्लगइन हमारा कितना बैंडविड्थ को बचा रहा है और पेज को कितने गुना तेज कर रहा है। ये हम इमेज दोनों इमेजेस का कंपैरिजन देख लेते हैं। ये पहले का इमेज है एक हमारे पास जेपीजी फॉर्मेट में, जिसकी प्रॉपर्टी देखने के बाद हमें इसकी साइज पता लग जाएगी। ये 108 KB का फाइल था, इमेज फाइल था 108 KB, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दूसरी फाइल मात्र 58 या 59 कह सकते हैं इसको, जो कि लगभग आधी है। इस फाइल की साइज़ कोई भी वेब पेज को उसके इमेजेस ही स्लो करते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इमेजेस की वजह से ही वेब पेज स्लो होते हैं। और जब हमने इमेज को ही हाफ साइज कर दिया तो आप सिंपली ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने वेब पेज की स्पीड को डबल कर दिया है और ये वन टाइम एफर्ट है। अब आपको आगे से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आगे जो भी आप इमेजेस अपलोड करेंगे वो वेब पी फॉर्मेट में ही सर्व होगा वेब पे, तो इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी इन्हेंस हो जाएगी। देखते रहिए इस चैनल को, सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम हमेशा अच्छे टिप्स के साथ आपके पास आते रहते हैं। धन्यवाद।